नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अदिति अवस्थी। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त हो गया है न्यूज 100 का, तो फटाफट अंदाज में आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें। बारिश और बाढ़ का देश के कई हिस्सों में बड़ा असर दिख रहा है। 8 राज्यों में जिंदगी अस्त व्यस्त, 50 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ से भारी तबाही, असम में बुरे हालात, राज्य के 24 जिले बाढ़ की चपेट में। असम में बाढ़ की वजह से अब तक 39 लोगों की मौत की पुष्टि, करीब 17 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। असम में लगातार बिगड़ रहे हैं हालात, नदियों में आई बाढ़ से 2500 गांव डूब गए हैं। असम की नदियों में आई बाढ़ से किसान बेबस हैं, बाढ़ से 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में लगी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। असम में कई जिलों में बाढ़ में फंसी जिंदगियां, लखीमपुर, गोलाघाट, जोरहट, काचर और नागौन समेत कई जिलों में हर तरफ नजर आ रहा है पानी ही पानी। काजीरंगा नेशनल पार्क का 80% हिस्सा पानी में डूबा, जानवर भी बाढ़ में फंसे, कई जानवरों की मौत हुई। असम में बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत शिविरों में भेजा जाएगा, करीब 300 राहत शिविर लगाए गए हैं जिनमें लोगों को पहुंचाया जा रहा है। राहत दल राहत और बचाव के काम में जुटे हैं, अब तक 2000 से ज्यादा लोगों को बचाया गया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू बाढ़ के हालात का जायजा लेने असम पहुंचे, प्रभावित इलाकों का एरियल सर्वे किया। रिजिजू की अगुवाई में उच्च स्तरीय केंद्रीय दल 3 की अपनी यात्रा के दौरान असम के अलावा अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर भी जाएगा, हालात का जायजा लेगा। पीएम मोदी ने पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ के हालात पर चिंता जताई, पीएम ने राज्यों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। पीएम मोदी ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू को निर्देश दिए राहत और बचाव कार्य का निरीक्षण करने और हर संभव मदद को सुनिश्चित करने को कहा। बाढ़ के हालात पर पीएम मोदी की पैनी नजर, पीएम ने कहा अरुणाचल प्रदेश के सीएम और दिल्ली और कई राज्यों के अधिकारियों से बात की। पूर्वोत्तर राज्यों के विकास मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी बाढ़ को लेकर मदद का भरोसा दिया है, अरुणाचल प्रदेश के सीएम से बाढ़ के हालात पर बात की। असम में हालात जल्द सुधरने के आसार नहीं, राज्य की 10 नदियां खतरे के निशान से ऊपर। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया काजीरंगा नेशनल पार्क का दौरा, अधिकारियों को पशुओं पर नजर रखने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश में भी बाढ़ से बिगड़े हालात, लगातार हो रही बारिश से कई शहरों में बाढ़ के हालात। मध्य प्रदेश के टमस और सतना में नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, सतना रीवा में अलर्ट जारी किया गया। सतना में भारी बारिश की वजह से बकिया बैराज डैम में पानी छोड़ा गया है, वहीं द्योथर में टमस नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद अंधवा बांध से बेलर नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। सभी बांधों से पानी छोड़ने के बाद सतना रीवा में बाढ़ की आशंका जताई गई, प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। भारी बारिश की वजह से मध्य प्रदेश के कई जिलों में सड़कें टूटी, यातायात ठप हुआ, हालात को देखते हुए स्कूल बंद किए गए। रीवा जिले के 2 दर्जन गांव का जिले से संपर्क कटा, 100 से अधिक गांव की बिजली गुल हुई। ओडिशा के मलकानगिरी में समर्थकों की गोद में चढ़कर विकास कार्यों का जायजा लेने पहुंचे बीजेडी विधायक मानस मतकामी, जल भराव की वजह से पानी में नहीं उतरे। जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे बंद, भारी बारिश के बाद भूस्खलन, यातायात प्रभावित। हिमाचल में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी, मौसम विभाग ने कुछ जिलों में बारिश की संभावना जताई। राजस्थान के श्रीगंगानगर में 7 दिन की देरी से पहुंचा मॉनसून, अगले 24 घंटे में अच्छी बारिश की उम्मीद। उत्तराखंड के नैनीताल में भारी बारिश से आफत, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। ऋषिकेश में भी भारी बारिश से उफान पर गंगा, प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित जगह जाने को कहा। देहरादून में बारिश के कारण सड़कें तालाब बनी, सरकारी इंतजामों की पोल खुली। यूपी के बाराबंकी में घाघरा नदी उफान पर, लगातार हो रही बारिश और नेपाल की तरफ से पानी छोड़े जाने से हालात बदतर हुए। बाराबंकी में घरों और सड़कों में भरा पानी, पानी के बीच फंसी हजारों जिंदगियां। तेज बारिश से वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ा, कई घाट डूबे, रोजगार पर भी संकट। वाराणसी में गंगा नदी के बढ़ते स्तर को देखते हुए हरकत में आया प्रशासन, एनडीआरए ने कमर कसी है। बिहार में नदियां उफान पर, कई जिले बाढ़ में डूबे, कई जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बिहार के सुपौल में हर जगह दिख रहा है सिर्फ पानी, कोसी नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी। खगड़िया में कोसी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, राज्य में लगातार भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई। कटनी में भी हर तरफ पानी ही पानी दिख रहा है, शहर के 3 स्टेशन पर जाने का रास्ता बंद है, जनजीवन प्रभावित। पहाड़ों पर हो रही बारिश का निचले इलाकों में भी असर दिखा, पीलीभीत में बारिश से सड़कों पर पानी भरा। उत्तराखंड में भी लगातार बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें, देहरादून में जिंदगी हुई अस्त व्यस्त। देहरादून में लगातार 12 घंटे से हो रही है बारिश, इमरजेंसी जैसे हालात बने। देहरादून में लगातार बारिश से जिला मुख्यालय और गांव का संपर्क टूटा, नदियों में बढ़े जलस्तर की वजह से 13 गांव से संपर्क टूटा। जिला मुख्यालय से संपर्क कटने के बाद हरकत में आया प्रशासन, गांव में भी राहत और बचाव का काम शुरू किया।
देहरादून सहारनपुर मार्ग पर बादल फटा, करीब 3 किलोमीटर सड़क टूटी, रास्ते को बंद किया गया। देहरादून मसूरी मार्ग कई स्थानों पर मलबा आने की वजह से बंद, पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद, मलबे को हटाने का काम शुरू। खरगोन समेत कई इलाकों में लगातार बारिश जारी, कुंदा नदी उफान पर, मुश्किलें बढ़ी। भोपाल में लगातार बारिश के बाद मुश्किलें बढ़ने का अंदेशा, प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। असम के डिब्रूगढ़ में लगातार बारिश से कई गांव डूबे, बढ़ा खतरा। डिब्रूगढ़ में ढींग नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी, सामान्य स्तर से लगातार बढ़ रहा है नदी का जलस्तर। हिमाचल प्रदेश के शिमला में अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट, कई जगहों पर भरा पानी। 27वें हफ्ते भी जी न्यूज नंबर 1 बाघ की 22+ रेटिंग में सभी न्यूज चैनल्स को पीछे छोड़ा। अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले के मामले में सुरक्षा बलों ने 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया, सभी पर आतंकियों के लिए काम करने का शक है। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में सेना ने बड़ा सर्च ऑपरेशन जारी किया, LOC के आसपास के इलाकों में आतंकियों को खत्म करने की प्लानिंग। सूत्रों के मुताबिक उरी में 9 जुलाई को कुछ आतंकियों को देखा गया, सुरक्षा बलों की फायरिंग में एक आतंकी मारा जा चुका है। अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों पर हमला करने वाले आतंकियों की घेराबंदी, दक्षिण कश्मीर में कई जगह सर्च ऑपरेशन जारी। कुलगांव में जंगल में छिपा हो सकता है अमरनाथ हमले का मास्टरमाइंड अबू इस्माइल, 50 किलोमीटर के दायरे में तलाशी। कश्मीर से आतंकियों के सफाई के लिए NSA अजीत डोवल का प्लान तैयार, PM से ब्रीफिंग में कहा आतंकी सिर्फ भाग सकते हैं, बच नहीं सकते। सुरक्षा बलों के स्पेशल ऑपरेशन में 250 जवान शामिल, आर्मी चीफ जनरल रावत ने NSA अजीत डोवल को रिपोर्ट सौंपी। अमरनाथ यात्रियों पर हमले की महबूबा मुफ्ती ने निंदा की, कहा कुछ लोग कश्मीर की शांति को बंधक बनाना चाहते हैं। आतंकी संदीप शर्मा और आदिल वेस्ट UP के युवकों को लश्कर में भर्ती करना चाहता था, पूछताछ के दौरान अहम जानकारी मिली। आतंकी संदीप शर्मा और आदिल की गिरफ्तारी के बाद सहारनपुर में एक और संदिग्ध पकड़ा गया, CISF की वर्दी और पहचान पत्र बरामद। कुलभूषण जाधव की मां को वीजा देने पर पाकिस्तान कर रहा है विचार, पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से खबर। चीन ने कश्मीर मामले में दखल देने की कोशिश की, कहा भारत पाकिस्तान के रिश्ते सुधारने के लिए रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए तैयार है। चीन सीमा विवाद पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने 14 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई, गृह मंत्री राजनाथ के घर पर होगी ये बैठक। शशिकला नटराजन के लिए जेल में विशेष किचन के लिए 2 करोड़ की डील हुई, खुद DG जेल भी इसमें शामिल थे, DIG जेल की रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। DIG जेल डी रूपा की रिपोर्ट के मुताबिक शशिकला ने जेल में खाने की सुविधाओं के लिए रिश्वत दी। तमिलनाडु में BJP ने शशिकला रिश्वत मामले को बताया गंभीर, जगदीश शेट्टार ने कहा तुरंत कार्रवाई की जरूरत। DG जेल सत्यनारायण राव ने दी सफाई, कहा आरोप झूठे और बेबुनियाद है, अदालत के एक एक आदेश का पालन किया गया है। शशिकला रिश्वत कांड में कसा शिकंजा, कर्नाटक के CM सिद्धरमैया ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए, शशिकला बेंगलुरु की जेल में बंद है। चारा घोटाले में लालू यादव की रांची की CBI कोर्ट में पेशी, गवाहों के बयान दर्ज हुए। पत्रकारों के साथ मारपीट मामले में तेजस्वी यादव की सफाई, कहा मेरे कहने पर गार्ड्स ने मारपीट की, ये कहना गलत है, मामले की जांच होगी। CBI ने आयकर विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तपस कुमार दत्ता को गिरफ्तार किया, फर्जी कंपनी और हवाला रैकेट मामले में कल छापेमारी हुई। भोपाल और खजुराहो के बीच शुरू हुई नई ट्रेन सेवा, रेल मंत्री ने हरी झंडी दिखाई। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने फिर दिलाया भरोसा, कहा पिछले साल के मुकाबले दोगुनी तेजी से रेलवे में हो रहा है काम। UP में एथनॉल से चल सकती है बस और टैक्सी, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने यूपी के CM योगी को दिया प्रस्ताव। नारदा स्टिंग मामले में TMC सांसद सुल्तान अहमद ED के सामने हुए पेश, CBI के सवालों का पहले ही जवाब दे चुके हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में बीफ ले जाने के नाम पर एक युवक की पिटाई हुई, 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दार्जिलिंग के कालिम्पोंग में तमांग बोर्ड के चेयरमैन के घर में तोड़फोड़, उपद्रवियों ने घर के एक हिस्से को आग लगाई। दार्जिलिंग के मशहूर गायक कर्मा योजन ने अपना अवार्ड लौटाया, कहा गोरखा लैंड चाहिए, पुरस्कार नहीं। कर्मा ने के अलावा लेखक कृष्ण सिंह और प्रभात प्रधान ने भी पुरस्कार लौटाए, दार्जिलिंग के समर्थन में उठाया एक कदम। दिल्ली पुलिस ने अपने 5 ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की, ट्रक ड्राइवर से GST की रसीद मांगकर पैसे मांगने का आरोप। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया, 20 पिस्टल और 180 कारतूस बरामद। मुंबई की भाईकला जेल में महिला सांसदों का दल जांच के लिए पहुंचा, एक महिला कैदी की मौत के बाद हुआ था हंगामा। लखनऊ मेट्रो की साइट पर एक व्यक्ति की मौत हुई, एक घायल, सरिया गिरने की वजह से हुआ ये हादसा। हरिद्वार से लेकर उन्नाव तक गंगा से 100 मीटर की दूरी पर नहीं होगा कोई भी निर्माण, NGT का आदेश, कहा गंदगी फैलाने वालों पर लगे 50,000 का जुर्माना। सेंसेक्स 32,000 की ऐतिहासिक ऊंचाई पर हुआ बंद, निफ्टी 76 अंक चढ़कर 9,886 पर हुआ बंद। SR स्टील मामले की गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई कल भी रहेगी जारी, SR स्टील के दावों पर RBI की सफाई, कंपनी के खिलाफ अन्याय या अपमानजनक कदम नहीं उठाया।
मॉनसून सत्र में पेश हो सकता है ग्रेच्युटी अमेंडमेंट बिल। सरकार ने तैयार किया कैबिनेट नोट। सूत्रों के हवाले से खबर, 20 लाख तक की ग्रेच्युटी हो सकती है टैक्स फ्री। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुआ सस्ता, एसबीआई ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन चार्ज में कटौती की। एनईएफटी आरटीजीएस चार्ज 75% तक घटाए गए, आईएमपीएस ट्रांसफर चार्ज में भी कटौती। डेल ने अमेरिका में लॉन्च किया दुनिया का पहला वायरलेस चार्जिंग लैपटॉप। टॉप मॉडल की कीमत 1,15,000 रुपए। बीसीसीआई की कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स ने टीम इंडिया में जहीर खान और राहुल द्रविड़ की नियुक्ति पर उठाए सवाल। कहा सीएसी ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर की है नियुक्ति, शास्त्री के रोल को भी किया कमतर। पॉजिटिव एनर्जी के साथ टीम इंडिया से जुड़ने को तैयार है कोच रवि शास्त्री। कहा टीम में हमेशा कप्तान की ही चलती है, कोच की नहीं। सानिया मिर्जा और क्रोशिया के इवान डोडिंग की जोड़ी विंबलडन मिक्स डबल्स मुकाबले से बाहर। तीसरे राउंड में ब्रिटेन की हीथर वॉटसन और फिनलैंड के हेनरी ने हराया। विंबलडन मेन सिंगल्स में जारी है उलटफेर का सिलसिला। राफेल नडाल और एंडी मरे के बाद नोवाक जोकोविच भी टूर्नामेंट से बाहर। मैच के दौरान जोकोविच को लगी थी चोट।